हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो एक और मेरा व्लॉग आ चुका है और यहाँ हो रहा आधी रात का टाइम, और आधी रात में मैं खड़ी होकर बना रही हूँ भैजान के लिए नाश्ता। यहाँ बन रही है चाय और उधर रखा है ब्रेड बटर। तो इस चाय को मैं जल्दी जल्दी फुल फ्लेम पे करके इसको खौला रही हूँ। तब से जो है चाय बन रही है, अभी पूरी तरह से इसको पकाना है चाय को, ताकि अच्छी तरह से कड़क वाली चाय बने। और इधर वाला गैस भी मैं ऑन कर लेती हूँ। यहाँ मैं ब्रेड को करूँगी, क्या कहते हैं, सेकूँगी, क्या कहते हैं उसको, बेकूँगी, ऐसे ही कुछ करूँगी। यहाँ बची थी थोड़ी सी ब्रेड और मैंने इससे कहिए देख लिया, ये आया कैमरे की नज़र में, तो मैंने देखा कि वो इसमें तो फंगस लगी हुई है। और ये फ्रेश ब्रेड थी जो अभी आई थी शायद कल। इसमें से यहाँ मैं दूसरी ब्रेड निकालती हूँ, इसको करती हूँ, कहिए मैंने देख लिया, वरना भजान को उसी को खा के भजान चले जाते ऑफिस। अब फिर बचती मेरी बैंड। अब इसको मैं खोलती हूँ और इसको जो है मैं सेकूँगी। तो यहाँ ये वाली फ्रेश ब्रेड है, देखिए एकदम फ्रेश, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो ये आई थी आज रात में, और यहाँ मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ कि रात के 2:30 बजने वाले हैं, और इस टाइम मैं बना रही हूँ नाश्ता। 2:30 बजे नाश्ता। बेचारे भेजान अभी 1 बजे सोए थे और उनकी ड्यूटी लग चुकी है। तो यहाँ ब्रेड भी मैंने सेक ली है, अब इसमें लगाऊंगी मैं बटर। और ये बटर भी थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा देखा उसमें तो कहीं फंगस नहीं है, मगर ये भी नहीं था, ये फ्रेश है। तो ये आधा मतलब थोड़ा रहता है, तो हम लोग ऐसे मोटा मोटा खा लेते हैं लगा लगा के। तो इसको मैंने 4 पीसेस में कट कर लिया है, अब इसको ब्रेड के बीच में लगा दूंगी। ये भेजान करेंगे नाश्ता और जाएंगे, क्योंकि रास्ते में फिर पता नहीं रहता है कि कहाँ ट्रेन रुकेगी, कहाँ खाना मिलेगा, तो ट्रेन कभी कभी लेट भी हो जाती है। तो इसलिए जो है ब्रेड शायद थोड़ा सा काम तो कर ही दे। तो यहाँ मैंने 2 ब्रेड लगाई, क्योंकि सुबह सुबह तो इंसान ऐसे भी नहीं खा पाता है, और हम लोग की ऐसे भी आदत नहीं कि हम लोग सुबह सुबह, मैं तो नाश्ता बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, खाली मैं एग और चाय। अब भेजान लोग तो फिर भी ब्रेड खा लेते किसी तरह मम्मी की डांटने से। और यहाँ से निकालती हूँ ग्लास, इसमें भरूंगी चाय, क्योंकि चाय देगी आपको एनर्जी, क्योंकि इस टाइम वो सो के उठेंगे तो उन्हें होश नहीं रहेगा, तो उनको मज़े की चाय दूंगी। यहाँ से सब ले लिया, अब इसको कर देते हैं बंद। अब निकालती हूँ मैं चाय। और यहाँ थोड़ी सी चाय बच चुकी है, तो मैं सोच रही हूँ कि ब्रश करके पी लूँ। पता नहीं रात में 2:30 बजे ब्रश करना चाहिए कि या मॉर्निंग में ब्रश करना चाहिए, कब करना चाहिए मुझे पता नहीं। मैं अभी भी ब्रश तो कर लूँ, फिर सुबह उठ के फिर कर लूँगी दो बार ब्रश ना। शायद 12 बजे के बाद ब्रश करने से बासी मुँह कब होता है मुझे नहीं पता, बासी मुँह कब इंसान रहता है, कहेंगे बिना मुँह धोए आपने चाय पी ली। तो मैं सोची 2 बार ब्रश कर लूँ। यहाँ चाय भी निकाल दिया, भेजान का नाश्ता रख दिया, ब्रेड को अपनी जगह रखते हैं। ब्रेड बटर यहाँ देखिए पहले से पड़ी हुई है, और यहाँ भेजान सो रहे हैं, अभी मैं उनको देर में उठाऊँगी थोड़ा, ताकि वो और सो लें। और ये जाएगी बाहर, बाहर है ढेर सारी डॉगी, तो वो ब्रेड खा लेंगे। और गैस की नॉब बंद करना मैं भूल गई थी, तो यहाँ मैं चेक कर रही हूँ कि सारी बंद है कि नहीं, वरना अभी मैं चली जाती हूँ, मैं ध्यान भी नहीं देती हूँ। सुबह मम्मी आती तो पर इतना डांटती कि ये तो ऑन थी, तो फिर मैंने सब बंद किया, लाइट भी बंद की। अब मैं चलती हूँ सोने, अब बाकी का काम मम्मी का। जब भेजान जाएंगी तो मम्मी उठेंगी और गेट को लॉक कर देंगी, और भेजान अभी भी सो रहे हैं इनको। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यहाँ पे शुरू हो गया है मॉर्निंग का टाइम, और यहाँ पे मॉर्निंग होते ही पता चला कि हम लोग की लाइट भी ख़राब हो चुकी है, मीन्स जो बल्ब लगे हुए थे वो भी ख़राब हो चुके हैं, और पानी भी नहीं आ रहा है। तो पानी क्यों नहीं आ रहा है वो अभी चेक कर रहे हैं। और यहाँ मैं रूम में हूँ, भेजान लोग बाहर मम्मी और भेजान बनवा रहे हैं। और यहाँ पे पता चला कि इस पंप में जो है एयर भर चुकी थी, तो एयर भरने की वजह से पानी नहीं आ रहा था। और इन्होंने जिनका घर है, ये जो हम लोग रेंट पे रहते हैं, तो जिनका ये घर है उन्होंने इतना अंदर इस पंप को लगाया हुआ है कि इसको एक तो खोलना मुश्किल, ऊपर से ये बहुत ज़्यादा अंदर पड़ता है तो कोई घुस भी नहीं पा रहा, बहुत छोटा सा एरिया है, तो बड़े मुश्किल से वो घुसे हैं। और इसमें से एयर भर गई थी, तो इसमें से एयर निकाला है तब पानी आया है हम लोग के यहाँ। ये समर सेबल है,
तो ये 24 घंटा पानी तो रहता रहता है। अब ऐसे जो है पाइप का भी पानी हम लोग के यहाँ आता है, तो दो अटैच है, एक समरसेबल है और एक पाइप का है। तो पाइप का जो है वो शाम को आता है, शाम को शायद 4 से रात में 10 बजे तक आता है, सुबह 4 से दोपहर में मतलब आता है 10 बजे तक वो भी। तो यहाँ लाइट भी बन चुकी है। तो ये बीच का जो मेन रॉड है ये जो है जलता है तो पूरे घर में रोशनी रहती है, और इधर उधर का जलता है, दोनों दोनों लाइट जलती है तो बहुत अंधेरा सा रहता है, बहुत अजीब सा घर में फील होता है। तो हम लोग का सर भी दर्द करने लगा था। तो फाइनली ये बन चुका है। आज भुवंती नहीं बनी गाइस, आज बन गया है अंडा और आलू का सालन, और बना है यहाँ पे पुलाव ये मज़ेदार सा, और यहाँ पे काटी है मैंने मूली, ये है मेरी प्याजी और ये है रोटी। तो आज जो है मुबन्नी की जगह बन गया है आलू का यमी सा सालन। यहाँ पे आज मैं ट्राई करने वाली हूँ फर्स्ट टाइम पाव भाजी। मैं पहली बार खाऊंगी और देखूंगी, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम रील्स पे इतनी ज़्यादा पाव भाजी देखी हुई है कि मेरा भी दिल करने लगा कि मैं भी ट्राई करूंगी। तो ये मैंने ऑर्डर किया है और यहाँ पे इसमें पाव आ गया है, यहाँ पे ये भाजी आ गई। देखने में तो बहुत यमी और टेस्टी लग रहा है। तो पाव भाजी को जो है मैं इस बाउल में डालूंगी, ये मैंने डाल लिया है। और इसमें देखिए ढेर सारी वेजीज है, मुझे लगता है सारी दुनिया की वेजीज इसके अंदर है। ये देखिए पनीर भी है, गाजर भी है, मटर भी है, सब कुछ इसमें। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और ये फुल बटर में सिका हुआ जो है बन है, ये कुछ ऐसा ब्रेड, इसको कहते हैं पाव, और ये है भाजी। तो दोनों मिक्स होकर बन गए हैं पाव भाजी, और इसको ट्राई करते हो देखते हैं कि ये कैसा है खाने में। ये देखिए भाजी आपको भी देख के बहुत टेस्टी लग रही है। इसके साथ मुझे मिली है प्याज, ये कुछ ज़्यादा ही मोटी मोटी कटी है तो मेरा दिल नहीं कर रहा खाने को, तो मैं उससे करूँगी स्किप और खाऊँगी खाली पाव भाजी ट्राई करूँगी। तो इसका पहले लेते हैं एक छोटा सा बाइट, देखते हैं कि टेस्ट कैसा है। इसमें कुछ ऐसे लगाना है, ओह ये भाजी तो आई नहीं इसमें, फिर से इसको डिप करती हूँ। ये आ चुकी इसमें, अब इसको ट्राई करके देख इसका टेस्ट कैसा है। तो ये है बाइट और ये गया मेरे मुंह के अंदर। ये छोटा बाइट लग रहा था मगर ये बड़ा बाइट है, और ये मैंने खाया इसको, और मुंह में जाते ही इतना अमेजिंग वाला टेस्ट था, पता नहीं मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी क्यों नहीं खाई इसको, ये बहुत ज़्यादा मज़े का था। आप भी कभी ट्राई करिएगा, अगर आपके यहाँ मिलता है पाव भाजी बेस्ट है, इसका कॉम्बिनेशन ही बहुत ज़्यादा बेस्ट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। सही में रील्स में मैंने देखा, इंस्टाग्राम रील्स पे लोग इतना खाते पाव भाजी, मुझे मज़ा आ गया पसंद।